क्या आपने कभी सोचा था कि कौवा अगर किसी को चोंच मार देता है तो खबर बन जाएगी, अगर नहीं तो आज ये भी हो गया। दरअसल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को संसद परिसर में कौवे ने चोंच मार दी। इसके बाद उनकी ये तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राघव चड्ढा की जैसे ही ये तस्वीर सामने आई तो दिल्ली बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट फायर किया गया और कैप्शन में लिखा, झूठ बोले कौवा काटे। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा। तो ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से तुरंत फायर कर दिया गया था। उधर बीजेपी के इस ट्वीट के बाद शुरू हुआ ट्वीट वॉर और राघव चड्ढा की ओर से भी जवाब ट्वीट में दिया गया। बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। राघव चड्ढा और बीजेपी के इस ट्विटर वॉर में अब लोग भी मजे ले रहे हैं और कई तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने रिप्लाई में लिखा कि राघव सर आप ठीक हो ना, चोंच ज्यादा तेज तो नहीं मारी। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि परिणीति चोपड़ा बहुत खुशनसीब है, उनके शौहर के बालों में मोती जड़े हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और लोग जमकर मजे ले रहे हैं। बता दें कि इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और राघव चड्ढा सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान राघव फोन पर बात करते हुए हाथ में फाइल पकड़े संसद परिसर में दाखिल हुए थे, जिसके बाद अचानक एक कौवा उड़ता हुआ आया और उनको चोंच मार दी। राहत की बात यह रही कि राघव चड्ढा को इस दौरान चोट नहीं आई है।